हेलो खमा गणी, आज का जो हमारा ब्लॉग बनने वाला है वो बनने वाला है जैसलमेर में। और हमारे जो भी पैलेसेस है स्पेशल घूमने के लिए वो सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आज हमारा वीडियो को आप मिस बिल्कुल ना जैसलमेर में करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत। पधारो मारे देश खमा गणी। हम जहाँ रुके हैं ये है हनुमान चौराया। तो यहाँ आके आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सस्ती सस्ती होटल मिल जाती है। हम लोग दो लोग हैं और हम लोग को 600 में ये होटल मिली है। हम लोग दो नाइट रुकेंगे यहाँ। हमारा जो पहला पॉइंट आज का रहेगा वो रहेगा जैसलमेर का फोर्ट। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोनार किले के पास, और बाहर की साइड का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और काफ़ी खूबसूरत ये किला लग रहा है। अभी जाएंगे इसके अंदर, चलो एंटर करते हैं इसके अंदर, देखते हैं इस किले की खूबसूरती, विशेषता और इतिहास। ये जैसलमेर फोर्ट, और यहाँ पे अंदर आने के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन, और कैमरे के लिए आपको 150 चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अपन किला पूरा विजिट करें, पूरे किले में छत लकड़ी का रहेगा। ओके सर। टोटल 7 मंजिल है, 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर छत लकड़ी का रहेगा। सर्दी में गर्म गर्मी ठंडा रहता है। और ये किला 866 साल पुराना किला है। 866 ईयर ओल्ड है। पूरा वुडन का सीलिंग रहेगा, छत लकड़ी का रहेगा। ओके। राजाओं की स्टैंड गन होता था, पुराने जमाने के अंदर गोली नहीं, सिर्फ गन पाउडर होते थे। आगे से गन पाउडर समय के, अभी जो प्रेजेंट किंग जिनका डेथ हो गई, उनका शादी नेपाल होके रखा था, उनको दहेज मिला चांदी का बना खोखरी। ये राजा लड़े के समय लगा था सर पे हेलमेट होता सेफ्टी सोसारे। राजाओं की शाही तलवार युद्ध के समय लड़े समय राजा यूज करते थे, और गुप्ती हमेशा लकड़ी के अंदर में गुप्त तलवार थी, तलवार गुप्ती बोलते, अंदर में तलवार छड़ी की तरह थी, गुप्त हथियार, यानी विश्वासघात से आदमी मारते थे। इतना बड़ा गन उस जमाने के अंदर राजा महाराजा कैमल गन ऊंट पे बैठ के गन चलाते थे, ऊंट पे बैठ के ये गन चलाते थे, ताकि चलाते समय ऊंट के नहीं लगेगा, ऊंट के गर्दन से नस आगे लंबा रहता, और ऊंट के ऊपर हमेशा दो आदमी बैठा करते थे, आगे वाले कंधे पे थे, पीछे वाले फायरिंग करते थे। आपने कहावत सुना होगा कि दूसरे के कंधे पे रथ जरा बंद नहीं होती थी, दूसरे के कंधे पे। ये टोटल सिल्वर का चांदी का सिंहासन, पीछे एक छतरी लगवा, नीचे जो डंडा है वो पूरा गोल्ड का है। ये मेगा नब छत्र तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पद्धत किया गया है। यहाँ पे राजाओं का राजतिलक होता है, जब यहाँ को नया किंग बनते थे उसको यहाँ बिठा के राजतिलक किया जाता था। ये है मैसेज विंडो, लड़ाई के समय पब्लिक को अलर्ट करते थे, बड़ा नगाड़ा ड्रम बजा करके यहाँ पे रण भेरे जरोखा, रण मैंने युद्ध के मैदान में यहाँ पे बिगुल बजाता था। फर्स्ट किंग थे जिन्होंने किला बनाया था, महारावल जैसल देव भाटी, जिनके नाम से ये जैसलमेर, जैसल सिंह राजा के नाम से शहर का नाम जैसलमेर पड़ गया था। यहाँ के जो महारावल थे, जैसल राजा का नाम था, मेर बोलते थे पहाड़ी को, पूरा किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ, पहाड़ी को संस्कृत वर्ण बोलते हैं मेरू बोलते हैं, मेरू, तो जैसल प्लस मेरू को जोड़ा जैसलमेर हो गया। किले की स्थापना 1156 के अंदर हुआ था, 1156 के अंदर, किला 866 साल पुराना है। काल्पनिक फोटो उस टाइम कैमरे नहीं थे, हाथ से बनाए, जैसे लाते कि पूरी जंदर से पूरी चलती है, उसका लड़का लड़का पूरा पूरी चलती, ठीक है। यहाँ की जो राजा है इनको टाइटल महाराज बोल बोला करते थे, जोधपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, जयपुर सवाई। अपन जहाँ खड़े ये पार्ट राजाओं के समय गज विलास किला था, राजा गज सिंह द्वारा बनाया गया था 14th सेंचुरी के अंदर। यहाँ राजाओं के समय में डांस मुजरा होता था, ये जो आप जरा ये बोल कर देखे, यहाँ जरा यहाँ राजा बैठा करते थे, यहाँ पहले शीशा नहीं होता था, ग्लास नहीं होता था, ऊपर राजा की रानी पर्दे के नती थी, उधर लगे वहाँ पर्दे में रहती रानियाँ, और राजाओं के जो गेस्ट हमेशा लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड बैठा करते थे, और बैक साइड में म्यूजिक मैन कलाकार बैठा करते थे यहाँ पे। तो यहाँ डांस प्रोग्राम होता था। मुझे कपड़े के बारे में बताएंगे, जैसलमेर का पत्थर है फर्स्ट जो स्टोन देख स्टोन, जैसलमेर का येलो सैंड स्टोन, तो पूरा सिटी इसी पत्थर का बना हुआ। ये सैंड स्टोन हर जैसलमेर के अंदर 5 किलोमीटर का माइंस हर जगह पत्थर निकलता है, और पूरा ऑल राउंड सिटी इसी पत्थर का ही बना हुआ है। सेकेंड जो पत्थर है ये फॉसिल स्टोन जीवाशी पत्थर, पहले जैसलमेर करीबन 12 करोड़ साल पहले जैसलमेर समुद्र था, समुद्र धीरे धीरे सूख गया, रेगिस्तान डेजर्ट हो गया। समुद्र के अंदर में करीबन जितने भी अंदर जीव जंतु वनस्पति जड़ी बूटी वो सब दब के पत्थर बन गए। जैसलमेर से राइट 40 किलोमीटर गांव है हाबूर गांव है, HABUR हाबूर, वहाँ पत्थर निकलता है हाबूर में ना, हाबूर में। ऊना के एक डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, अजगर अली गिल्ड ने पत्थर के अंदर रिसर्च किया था 1 करोड़ साल पहले। पत्थर को अगर रात को दूध के अंदर डालते हैं तो दूध ऑटोमेटिक दही हो जाएगा, उसमें खटाई जमा नहीं डालना पड़ेगा, इसमें लैक्टोबैसिलस मतलब कि इसमें दूध को दही बना देता है।
बैक्टीरिया की मात्रा है। दूसरा यही पत्थर का गिलास आता है, उसी गिलास के अंदर में रात को पानी भर के ओवरनाइट रात पानी भर दो और सुबह उसका मॉर्निंग में खाली पेट पानी पी लो। किसी आदमी को तकलीफ अगर हार्ट का होता है, बीपी का होता है, शुगर का होता है, डायबिटीज़ का होता है, एनी जॉइंट पेन कंट्रोल, क्योंकि इसमें सभी जीवाश्म है, जड़ी बूटियाँ हैं। देखिए इधर की ये है मसले जो सब के रह गए हैं, सब जीवाश्म, सभी जड़ी बूटियाँ, समुद्र में जितनी भी सब जीवाश्म है वो सब दबते पत्थर में कन्वर्ट। और ये पत्थर को यहाँ लगाने के रीजन क्या है, ये पत्थर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करता है नजर से बचाने के लिए। राधा में उसको यहाँ लगे ताकि स्मेल को नजर नहीं लगे। इस इंडिया के जितने भी मोनोमेंट है, दिलवाड़ा में, रणकपुर में, जमौसी, रेड फोर्ट, ताजमहल, सब जगह इस पत्थर टाइल लगा मिलेगा। और इस पत्थर के पिरामिड भी आते हैं, तो लोग उसको घर में पूजा पाठ दुकान रखते हैं ताकि उसको नजर से बचाने के लिए। और इस पत्थर का ज़्यादा जानकारी के लिए आप नेट के अंदर सर्च करेंगे गूगल के अंदर में हाबूट स्टोन जैसलमेर, हाबूट HABUR स्टोन की पूरी जानकारी मिलेगी, क्या काम करता है। जो आप देख रहे हैं टोटल लकड़ी का घोड़ा था उस जमाने के अंदर, राजा महाराजा के छोटे बच्चों को बैठा के ट्रेनिंग देते थे घोड़सवारी के लिए, बड़ा अपने घोड़े पे बैठ सके हॉर्स राइडिंग के लिए। बैक साइड में अम्ब्रेला लगा हुआ है, यहाँ पे दशहरा गणगौर फेस्टिवल था, राजाओं के ऊपर इसको यूज किया जाता था। और बीच में मछली का फेस, मत्स्य अवतार, विष्णु भगवान का अवतार होता था मत्स्य अवतार। और ये पृथ्वी कलश रखा हुआ पीछे बैक साइड में। ये देखिए सबसे बेस्ट मूर्तियाँ 600 वर्ष पुरानी है, जैसलमेर के पीले पत्थर पे करीबन 600 वर्ष पुरानी मूर्ति। ये देखिए बीच वाली मूर्ति, ये एक औरत अपने बाल धो रही है, बालों का जितना भी पानी पक्षियों को पिला रही है, उस टाइम पानी की समस्या थी, पानी का बचाव करे। ये लेडीज लेटर लिख रही है और नीचे एक पोस्टमैन खड़ा है लेटर को लेने के लिए, जाके खड़ा है। ये डांस करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, राधे का बांसुरी बजाते हुए पक्षी के माध्यम से पत्र भेजती। राजाओं के समय में होली चौकता था, होली यहाँ खेलते थे बट जिस समय के अंदर में पानी की समस्या बहुत कम होती थी, पहले बहुत ज़्यादा होती थी समस्या, ज़्यादा होती थी। अभी पानी की समस्या कम है क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल नहर आ गया, पहले पानी की समस्या ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे जितना भी जो रनिंग वाटर था बरसात का पानी होता था, पूरा छत का पानी यहाँ से इधर से आ जाता था और यहाँ पे आकर के सीधा इसके नजदीक इसमें चला जाता था। इसके नीचे बड़ा टैंक होता था पानी का, उसमें पूरा पानी स्टोर और जमा हो जाता था, तो पूरा पानी भी जमा करते थे, स्टोर करते थे और होली भी खेलते थे। इसलिए जैसलमेर को देखना, पुराने ज़माने के कवि ने कहावत लिखा था कि जैसलमेर देखना हो तो घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। यानी घोड़ा कीजिए काट का, लकड़ी के घोड़ा होने चाहिए बिना घास पानी के चल सके, पिंड कीजिए पाषाण का, शरीर आपके पत्थर के समान कुछ नहीं मांगे खाना पीना, बख्तर कीजिए लोहे के कपड़े, लोहे के जो गर्मी को सहन कर सके 50-55 डिग्री टेम्परेचर को, तब देखो जैसाण, तब जाके जैसलमेर देख सकते, अन्यथा जैसलमेर नहीं देख सकते। अभी कवच थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, यहाँ पर राजस्थान सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर इधर का ही है ना जैसलमेर का, क्योंकि लास्ट बॉर्डर पे है और पूरा रेगिस्तान एरिया रेगिस्तान है। और अभी कवच चेंज हो गया है, घोड़ा घड़ी छोड़ दो, सीधी बड़ो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिगुटगढ़ जैसा। अभी फ्लाइट सेवा शुरू हुई है, सब सुविधा है, ओल्ड समय के अंदर बहुत समस्या होती है। ये पानी का फाउंटेन बना हमारा है, गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी कहलाता है, पत्थर का कलर सोने का पूरा सोने। और एक जैसलमेर किले को बोलते हैं गोल्डन फोर सोनार किला। इस तरफ जैसलमेर से पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर यहाँ से ना। और तनोट माता का मंदिर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। जब 1965-1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान द्वारा बम फेंके गए थे, लेकिन माता के चमत्कार से बम ब्लास्ट नहीं हुए। तो अभी भी मंदिर में जाओगे करीबन 7-8 बम फेंके गए थे, एक भी नहीं ब्लास्ट हुआ, लाइव बम पड़े। जैसलमेर का डेजर्ट रेगिस्तान का इधर पड़ता है, यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सन सैंड ड्यून्स। और पीछे जो गोल गोल पिन दिख रहा है, एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, उधर आर्मी का वो एयरपोर्ट है आर्मी का। ये वाला पहाड़ी जहाँ राजा राजाओं के समय में आदमी को देते फांसी राजा, उसी पहाड़ी पे देते, सामने वाले पहाड़ के ऊपर ये सोली डूंगर सोली यहाँ चढ़ाते थे। किले के अलावा तीन हवेली और है, सामने हवेली पटवा की हवेली, देखिए काली पीली बिल्डिंग पीले कलर की, ये पटवा हवेली जो वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा हवेली। सेकेंड ये राजा के दीवान नथमल का हवेली, जो राजा के दीवान थे नथमल उनकी हवेली वाला। तीसरा हवेली उधर रहेगा जो पीछे जो पत्थर का सब गुमज में डोल बने डुमज, अभी राजा वहाँ रहते हैं और राजा टाउनशिप बनाओ सामने। हाँ, और अभी वर्तमान प्रेजेंट किंग वहीं रहते हैं,
आपने हिंदी मूवी देखा होगा सरफरोश समीर खान का मिर्ची सेट कावली, जैसे मैं राजा के हवेली को ही दिखाते हैं। और इनसे दीवार पे देखेंगे राउंड स्टोन लगे गोल पत्थर, लड़े के समय को आदमी ऊपर चढ़ता गोल पत्थर इस तरह का देते हैं दुश्मन के ऊपर। ये पूरा जैसलमेर का किला है, पूरा लिविंग फोर्ट है, हिंदुस्तान का पहला किला है। इस किले में करीबन 4000 पब्लिक अभी इस किले में रहती है। 4000 पब्लिक रहती है, 4000 पीपल लिविंग इन द फोर्ट। अंदर में दो कास्ट थे, 80% ब्राह्मण राजाओं की पूजा पाठ में कमाते थे, सलाहकार थे, एडवाइजर थे। 20% राजपूत थे, राजाओं के सैनिक होते थे, वही लोग दूसरी कास्ट किले में नहीं आते। पुराने जमाने के अंदर वही लोग रहते थे। पब्लिक अंदर थी, लोगों मकान दुकान होटल पर सिटी बसा हुआ। और ये फोर्ट का फर्स्ट एंट्री गेट ये वाला सीधा 12 का स्क्वायर रहता था, यहाँ लोहे के कील खड़े करते थे, कील की जहाँ शेडो छाया पर इसका टाइमिंग वही रहता था। बारह इधर बस के एक दो तीन चार पाँच घड़ी होता था, डायरेक्शन जितना भी लगता था पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर। रानी का महल आ गया है, राजा का महल हो गया है। पुराने जमाने के अंदर झरोखा देख रहे हैं, गाने सब रियल गोल्ड बना, करीबन 14 करोड़ का मूर्ति, 14 करोड़ का मूर्ति है। होली के 15 दिन बाद राइट उसका मेला होता है, जैसलमेर के राजा के लिए आते हैं, उस माता जी को बाहर निकालते हैं, शाही सवार निकल के यहाँ से कड़ी से लेक जाती है और लेक से पूजा उजा करके ऑफिस से यहाँ लाते हैं। ये गणगौर को कुंवारी लड़कियाँ अनमेरिड जो गर्ल्स होती है इसको पूजा करती है, अच्छे पति के हस्बैंड के लिए करती है, अच्छे वर्क के लिए करती है, और लेडीज अपने पति की लंबी उम्र के लिए कम होता है। और राजस्थान के अंदर इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गणगौर माता पार्वती माता दर्शन तो अपन किला विजिट करें, पूरे किले का मॉडल नक्शा बनाओ। किले में टोटल 4 गेट हैं, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, अकेपुर, सूरजपुर, दिनेशपुर, हवापुर। किले का मेन चौक दशहरा चौक है, राजा की मैं सेंट्री किया, राजा महल पूरा घूम लिया, टॉप से सिटी देख लिया। अब रानी महल में, रानी महल घूमा किस यहाँ मेन चौक जाए दशहरा चौक में, इस साइड 20% राजपूत, 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। राजाओं के समय जेल होता था जिसको बंद स्कूल बना दिया गया, और ये मौत का कुआ था, 50 फीट खड़े आदमी को जिंदा डाल देते थे, ऊपर नमक और मिर्ची डाल देते, उसको बंद कर दिया। इधर जो पब्लिक अंदर के खुद के पर्सनल मकान है जो राजाओं के टाइम रहते थे, जहाँ पब्लिक जहाँ भी रहते इस कोने में घूम फिर के यहाँ पड़ेगा, आने जाने का एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता निकले। यहाँ पे पुराने जमाने के अंदर में रानी साहिबा बैठ के चौपट पासा गेम खेला करते, ये चौपट पासा गेम है, रानी का सिंहासन होता था, ये अपने गंजीफा गेम बोलते हैं, गंजीफा गेम। पहले जमाने के अंदर क्या होता था, एक राजाओं की 15, 16, 17, 18 रानी होती थी, सभी रानी के रूम कमरे बने रहने के लिए। पुराने जमाने में एक राजा का 16 रानी, अभी एक रानी 16 परेशानी, सिस्टम पूरा चेंज हो गया। मैंने ये रहता था उसमें कबूतर के गले में डालते थे, इसको अंदर चिट्ठी डाल करके संदेश भेजने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं फोर्ट से बाहर, और बाहर से भी आप फोर्ट देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये फोर्ट। इसकी डिजाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिजाइन है। तो चलो अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।